गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मजाक पर। जैसा मेरे चैनल का नाम है मैथ्स मजाक, एक उसी तरह आज आपको मैथ्स में मजाक में गुड़ा बनाने सिखाएंगे। एकदम आसानी से आज आप गुड़ा सीखेंगे। आज आपके लिए एक बेहतरीन चटपटा ट्रिक लेकर आए हैं और एक ऐसा मजाक लेकर आए हैं जिसमें आप मजाक ही में लोग मजाक समझेंगे और तब तक आप गणित को गुड़ा को आसानी से सोल्व करेंगे। लेकिन आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा गुड़ा का ट्रिक को। पहले आपको दो अंक का, फिर तीन अंक का सिखाएंगे और एक अंक का गुड़ा जो होता है वो बेसिकली पहाड़ा होता है, टेबल होता है, इसलिए एक अंक का नहीं बल्कि दो अंक का और तीन अंक का आपको सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो सबसे लास्ट में, शुरू से आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि मुफ्त का क्लास है, तुम भी सीख लो गणित को। और आज आपको मैं गुड़ा सिखा रहा हूँ, बेहतरीन ट्रिक दूंगा। शुरू से लास्ट तक बस देखते जाइएगा, एक के बाद एक बेहतरीन। इस वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक ट्रिक दूंगा, लेकिन आप बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक, देखते जाइएगा। देखिए सबसे पहले मैं गुड़ा शुरू करता हूँ दो अंक का, और दो अंक का गुड़ा बताने के बाद मैं आपको तीन अंक का बताऊंगा। तीन अंक का बताने के बाद लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक और मज़ेदार चीज़, एक और चटपटा चीज़, पहाड़ा लिखने का ट्रिक, 1 से 99 तक का पहाड़ा आप चुटकी बजाने से पहले लिख जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। बस आप वीडियो को देखते जाइएगा और यकीन मानिएगा आज के बाद आपके शरीर के हर अंग में, आपके रग रग में गुड़ा ही दौड़ेगा और आप गुड़ा को एकदम बहुत आसानी से, बहुत जल्दी सोल्व करके रख देंगे। यहाँ तक कि कैलकुलेटर को सोल्व करने से पहले आप गुड़ा को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे दो अंक का गुड़ा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस उदाहरण के साथ, उस एग्जाम्पल के साथ मैं आपको आज गुड़ा सिखा रहा हूँ। तो देखिए जैसे 45 × 47 एक मल्टीप्लीकेशन ये लिए। अब इसका बेसिकली ट्रिक जो है वो ये है कि ये आप एरो लेंगे, ये क्रॉस लेंगे और ये एरो लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो क्रॉस एरो, तो आप सोच रहे होंगे ये एरो क्रॉस एरो क्या है। बस बने रहिए, मैं तो बता ही रहा हूँ। और बस एक बात याद रखिए, एक बार जब मैं बता दिया तो गुड़ा आपके लिए वास्तव में मजाक बनकर रह जाएगा। जो ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है मैथ्स मजाक, तो बिल्कुल ये गुड़ा आज के बाद मजाक ही होगा आपके लिए। देखिए बने रहिए, आप वीडियो को भगाइएगा मत, भगा कर मत देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और याद रखिए एक बार आपने पूरे वीडियो को देख लिया, एक बार अगर पूरी तरह से आप समझ गए तो फिर जिंदगी में गुड़ा को कम से कम नहीं भूलेंगे, उसको बहुत जल्दी आप सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे का मतलब ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। और हाँ एक और बात, आप इधर से इधर गुड़ा करेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको इधर से इधर आना है। तो जब आप इधर से इधर आएंगे तो सबसे पहले ऊपर नीचे, तो 7 को 5 से गुड़ा कीजिए तो 35 का 5 कैरी 3। क्यों कैरी 3? क्योंकि 35 ऐसे लिखते हैं तो ये 5 तो कट गया, बदल गया, तो ये 5 कट गया, 5 कटा तो ये 3 जो है 5 यहाँ पे आ गया और 3 जो है वो कैरी बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे तिरछा तिरछी गुड़ा है, तो तिरछा तिरछी गुड़ा जो है तो 7 और 4 का गुड़ा और 5 और 4 का गुड़ा, तो 7 और 4 का गुड़ा आप करेंगे तो 28 और 5 और 4 का गुड़ा करेंगे तो 20। ये देखिए 7 चौका 28 और 5 चौका 20। अब इसको जोड़ कर देखिए 8 3 11 का 1, 2 2 4 और 1 5, अब ये हो गया 51। इसका 1 आ जाएगा यहाँ पे और ये 5 कैरी चले जाएगा। अब उसके बाद फिर आप देखें तो ऊपर नीचे ही आना है, तो ऊपर नीचे इसका मतलब 4 और 4 तो 16 और 6 5 11 और 1 और 1 2, यानी 16 और 5 21, तो यहाँ पर टोटल हम लोग लिख देंगे 21। अब देखिए कितना आसान हो गया ये गुड़ा। तो आपको मैंने बताया था अभी ये बिल्कुल गुड़ा आपके लिए मजाक होगा, और देखिए यहाँ पर मजाक ही तो है, ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे 7 और 5, तो 7 5 35 का 5 कैरी गया 3। अब उसके बाद तिरछे तिरछी, तो ये तिरछा ये तिरछा, तो 7 चौका 28 और 5 चौका 20, 28 और 20, 8 3 11, 2 2 4 और 1 5। और उसके बाद फिर से ऊपर नीचे, तो 4 चौका 16 और 5 कैरी था तो 16 और 5 21। तो बस इतना आसान होता है। अब देखिए एक और उदाहरण,
अगर हम लोग को गुणा करने के लिए आ जाए 89 into 78, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो बस सेम रूल ही लगेगा। यहाँ पर देखिए 9 और 8, तो 9 8 72 का 2 हो गया, हासिल हो गया 7, कैरी में चले गया 7। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे, तो 9 8 72 का 2 हासिल हो गया 7। अब देखिए तिरछा तिरछी 8 28 64 और 9 7 63, अब ये हो गया 7 4 11 और 3 14 का 4, 6 6 12 और 1 13। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि केवल यहाँ 1 3 4 आया, तो ये 34 या 30 नहीं लिखेंगे, बल्कि केवल यहाँ एक अंक 4 लिखेंगे और रेस्ट जो होगा, जो बचा हुआ रहेगा, वो कैरी में जाएगा, हासिल में चला जाएगा। और उसके बाद देखिए फिर लास्ट में ऊपर नीचे, तो 8 7 8 और 7 का पढ़ेंगे तो 8 7 बिल्कुल 56 होगा, 6 3 9 और 5 1 6, तो इसको 69 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए कितना आसानी से मैथ्स बनता है, ये देखिए एक बार फिर से समझिए। 9 और 8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किए तो 9 8 72 का 2 हासिल 7 हुआ, 8 28 64 और 9 7 63, और इसको जोड़े तो 134 का यहाँ पे 4 आया और ये 30 रेस्ट जो था ये चले गया, कैरी बन गया। और उसके बाद 8 7 56 56 हुआ और ये 13 जोड़े 69 हुआ। अब देखिए आगे आपको बताते हैं। तो दोस्तों बोर्ड पर आपके सामने ये 4 सवाल हैं, आप इसको सोल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और देखिए अब आप जैसे मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से आप बना पाते हैं या नहीं। बिल्कुल वीडियो को रोक लीजिए और वीडियो को रोक कर खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने ऐसा किया होगा, आपने बनाया होगा। अब चलिए आप मिला लीजिए, एक बार मैं भी बनाकर दिखाता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ऐसा किया होगा, वीडियो को रोका होगा और खुद से बनाने की कोशिश किया होगा। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, तो अब उसको हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट मन ही मन में करेंगे, इसको छोड़ देंगे। 8 और 5 का पहले गुणा, तो 8 5 40 के 0, यहाँ आप कैरी लिखिए 4 और फिर तिरछा तिरछी करते हैं, तो 8 चौका, तो 8 चौका होता है दोस्तों 32 32 और 3 5 15। अब इसको जोड़िए 5 4 और 2 6 और 5 11 का 1 3 1 4 और 1 5, तो यहाँ पर दोस्तों 1 आएगा और ये कटेगा और उसके बाद 4 3 12 और 5 17। अगर आपका जवाब सही था तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि आपने इतना उत्तर किया था या नहीं किया था। अब आगे चलिए, तो यहाँ पर देखिए फिर वही स्थिति, 6 और 7 का मल्टीप्लीकेशन, 6 7 42 का 2 कैरी गया 4 और फिर तिरछे तिरछे कीजिए, 6 6 36 और 7 5 6 6 36 और 7 5 35। अब इसको जोड़िए 6 4 10, 5 15 का 5, 3 3 6 और 1 7, 75 का 5 हो गया और ये कैरी हो गया 7 और 6 5 30 और 7 जो जोड़ेंगे ऐड करेंगे आप तो आएगा 3 7 5 2। अब चलिए आगे, 9 और 8 का गुणा, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 9 81 और 8 6 हो गया 48 दोस्तों, तो 7 1 8, 8 16 के 6 हासिल 8 4 12 1 13, ये 6 यहाँ पे आएगा और 13 कैरी चले जाएगा और 9 6 54 और 13 को आप ऐड कीजिए, 4 3 7 5 1 6, तो ये हो गया 6 7 6 2 दोस्तों। अब आगे चलिए, तो 8 और 6, 8 6 48 का 8 कैरी हो गया 4 और देखिए तिरछे तिरछे कीजिए, 7 8 56 और 7 6 42, अब इसको ऐड कीजिए, 6 4 10, 2 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 5 4 9 और 1 10, तो यहाँ पर 2 हो गया दोस्तों और ये 10 कैरी जाएगा, 7 7 49 और 10 59 हो गया। तो अब देखिए दोस्तों 5 9 2 8, तो बस इतना समय लगेगा, सिर्फ इतना ही वक्त लगेगा आपको गुणा सोल्व करने में, सिर्फ इतना समय में ही आप आराम से गुणा को कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, वो भी 100% सही। लेकिन बस आपको जरूरत है मेरे ट्रिक पे अमल कीजिए, इस पर कीजिए और अब देखिए आगे मैं आपको 3 अंक का गुणा भी सिखाता हूँ कैसे बिल्कुल आसानी से। अभी तक आपने 2 अंक का गुणा सीखा और आप इसको लगातार वीडियो को देखिए, एक बार में समझ में ना आए वीडियो को फिर से रिस्टार्ट कीजिए, फिर से शुरू से देखिए।
तो अब दोस्तों दो अंक के गुणा के बाद मैं आपको तीन अंक का गुणा सिखाता हूँ, उसका लॉजिक जरा सा अलग है और वो भी कुछ इस टाइप का। पहले हम लोग इधर से ही गुणा करेंगे, पहले ये होगा, फिर तिरछा तिरछी, फिर ऊपर नीचे, फिर तिरछा तिरछी और फिर ये कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेप में तीन अंक का गुणा आपसे बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये गुणा करना है तो तीन अंक का तो 5 स्टेप। और देखिए कैसे इसमें भी हम लोग इधर से चलकर इधर आएंगे, और ये देखिए 8, 28 सबसे पहले देखिए ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे करेंगे तो 8, 28, 64 का 4 कैरी किया 6। तो देखिए दोस्तों जैसे दो अंक में करते थे बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, तो ये देखिए 8, 28, 64 का 4 कैरी किया 6। अब ये दो अंक ये देखिए तिरछा तिरछी, इसका मतलब है कि ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये देखिए ये इसके साथ और ये इसके साथ जब होगा तो ये देखिए 7, 8, 56 होगा और 8, 5, 40। जी हाँ दोस्तों ये तिरछा तिरछी 8, 7, 56 और 8, 5, 40 होगा, और ये पहले से कैरी 6 है। अब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 6 और 6, 12 का 2 हासिल 1, 5, 4, 9 और 1, 10। तो ये दोस्तों 2 यहाँ पर आकर लगेगा और कैरी में बनेगा 10। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब आगे करेंगे तो अब देखिए दोस्तों इसी में जरा सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन आज के बाद आपको इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए कैसे ये ऐसे करा, इसका मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये यहाँ ऊपर नीचे, तो आप देखिए ये इसके साथ, ये इसके, ये इसके, इसका मतलब है 9 और 8 का गुणा करेंगे तो 9, 8 हो जाएगा दोस्तों 72 और 6 और 8 का गुणा करेंगे तो 6, 8, 48 और ऊपर नीचे तो 7, 5 दोस्तों यहाँ 35। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कितना आसानी से बन रहा है। ये देखिए इसका सिंबल, मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये ऊपर नीचे, तो अब इसको जोड़िए तो 8, 2, 10 और 5, 15 का 5 हासिल हो गया 1। और ये देखिए 1 और 1, 2 और 7, 9, 4, 13 और 1, 16 दोस्तों, तो 16 तो यहाँ पे ये 5 आकर यहाँ पे लगेगा और ये फिर से 16 कैरी में आएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों फिर से ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो इसको डिलीट कीजिए, इसको डिलीट कर लेंगे और ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 9, 5 हो जाएगा 45, ये 16 को यहाँ लिखिए 9, 5, 45 और 7, 6, 42 तो ये जोड़ेंगे 6, 5, 11 और 2, 13 के 3 हासिल 4, 4, 8, 1, 9 और 1, 10 तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये 10 कैरी जाएगा। और फिर लास्ट में ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे अगर करेंगे तो 9, 6, 54 तो 54 तो 4 और 6, इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लीकेशन 6, 4, 3, 5, 2, 4 इतना आसान होता है ये गुणा, देख सकते हैं आप लोग। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार फिर से वीडियो को बैक कीजिए, बैक करने के बाद फिर देखिए। वैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखा हूँ, इस एग्जांपल से भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका गुणनफल कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर नीचे, तो 9, 8, 72 का 2 हासिल हो गया 7। यहाँ तक तो आप एकदम अच्छे से समझ लोगे, पहले ऊपर नीचे, तो एकदम देखिए ऊपर नीचे तो 9, 8, 72 का 2, 7 यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आपको एकदम आसानी से समझ पा रहा होगा। ये पहला लाइन ऊपर नीचे वाला है तो ये ऊपर नीचे हुआ, 9, 8, 72 का 2 हासिल हो गया 7। अब आगे देखिए तो ये आगे कहता है तिरछा तिरछी कीजिए, इन दोनों में कीजिए तो 9, 6, 54 और 8, 28, 64। अब ये दिमाग में कंफ्यूजन मत रखिएगा कि 9, 6, 54 पहले करेंगे कि 8, 28, 64, किसी को भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद तो मैंने आपको बताया था जैसे 9, 8, 72 तो ये एकदम भूलने की बात है ही नहीं, ये ऊपर नीचे दो अंक में भी ऐसा किया था मैंने। अब यहाँ यहाँ ये देखिए, आप ये मत भूलिए, मतलब ये मत सोचिएगा पहले 8, 28 करें कि 9, 6 कोई भी कीजिए, लास्ट में आपको जोड़ना है। अब इसको जोड़िए 4, 4, 8 और 7, 15 का 5 हासिल 6, 5, 11 और 1, 12 होता है, तो ये 5 हो गया दोस्तों, ये गया और ये 12 कैरी हो गया। अब इसमें देखिए इसमें भी कंफ्यूजन नहीं, ये तिरछा, ये तिरछा, ये ऊपर नीचे,
बिल्कुल देखिए इसकी तरह बन गया ये। तो अब इसको आप सोचेंगे पहले किसको करें, पहले इसको करें, इसको करें, इसको किसी को भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल वही आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें जोड़ना होता है, तो जब जोड़ते हैं तो आप तीन जोड़ दो जोड़िए तो भी पाँच, या फिर दो जोड़ तीन जोड़िए तो भी पाँच, यानी कि पहले तीन को दो में जोड़ें या दो को तीन में, बात तो एक ही आएगा, रिजल्ट एक ही आएगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ आप किसी को भी गुणा कर सकते हैं पहले, और लेकिन रिजल्ट आपका वही होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे अब इसको गुणा करते हैं, तो 9 और 7 का गुणा करेंगे तो 63 होगा, और 8 और 7 का करेंगे तो 56 होगा, और 8 और 6 को करेंगे तो ये 48 होगा। अब इसको जोड़िए तो 8 6 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, और 6 4 10 5 15 और 1 16 का यहाँ पर दोस्तों 7 हो जाएगा, और ये हासिल फिर से चला जाएगा 16। तो अब देखिए उसके बाद 814 और 317 का 7 हासिल 6 4 10 5 15 और 1 16, तो 16। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों माफ कीजिएगा, एक ये दो भी सॉरी यहाँ पर देखिए फिर से 2 3 5 6 11 8 19 का 9 हासिल 1, इसको मैं छोड़ दिया था लेकिन ये भी तो शामिल है, आप देख सकते हैं ये भी शामिल है। तो ये इतना जोड़ेंगे तो 8 6 14 3 17 तो 19 का 9 हासिल 1, और 1 2 6 8 5 13 और 4 17, तो 17 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा दोस्तों, और ये 17। अब देखिए उसके बाद फिर से होता है ये तिरछा तिरछी, इसका मतलब है कि ये दोनों ये दोनों, तो यहाँ पे 8 7 56 और 6 7 42 और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 17। अब देखिए 6 2 8 7 15 का 5 हासिल 1, 5 4 9 1 10 और 1 11, तो ये 5 हो गया दोस्तों। अब उसके बाद फिर से ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे अगर हम लोग करेंगे तो ऊपर नीचे कितना होगा, तो 7 7 49 और ये 9 1 10 4 1 5 1 6, तो ये हो गया 60। अब देखिए दोस्तों इसका गुणनफल बस एक ही लाइन में, तो आपको भी यकीन मानिए बस इतना आसान होगा, इतना जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं, आप भी बहुत आसानी से गुणा को तीन अंक का गुणा देखिए मैंने आपको बताया, और आप भी इस तरह से करेंगे यकीन मानिए बिल्कुल मेरे चैनल के हिसाब से जो मजाक है एकदम गणित आपके लिए मजाक होगा, मजाक में गणित को बनाएंगे, गणित आपसे डरेगा, आप गणित से कभी नहीं डरेंगे, ये मेरा गारंटी है। बस शर्त ये है कि शुरू से लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा। अब देखिए मैं आपको एक और नया ट्रिक बताता हूँ और भी गुणा कैसे बनते हैं। तो अब और भी गुणा का बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन अब मैं आपको 9 का गुणा सिखाता हूँ, और 9 का गुणा बहुत आसान होता है। जैसे मान लिया जाए ये आपको दिया हुआ है 59 गुना 99, या यहाँ पे कोई भी डिजिट आप ले, लेकिन शर्त यह है कि लास्ट में 9 9 आए। तो इसका देखिए गुणनफल आपको करने के लिए क्या करना है, ये 5 और 9 लेना है, 5 और 9 क्या करना है आपको लेना है, 9 कितना टो है, 2 टो है, यहाँ पर 2 टो 0 लिख लेना है, और इसमें से ये जो दिया हुआ है उसको माइनस करना है, ये माइनस किए ये अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1, ये 10 में से यहाँ पे 0 में से 9 घटेगा नहीं, यहाँ से कैरी लेकर आएंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, अब यहाँ पे बचा दोस्तों 9, क्यों, क्योंकि यहाँ जब कैरी उड़ा कर ले जाते हैं तो अब आप किसी के घर से उड़ा कर ले जा रहे हैं तो इसको तो कुछ तो देना पड़ेगा क्योंकि ये भी कंगाल है, तो इसको मिला कितना, तो 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, और ये हुआ दोस्तों 8, और यहाँ पर क्यों 8 बचा, क्योंकि एक कैरी लेकर उड़े थे, और यहाँ पर 5, तो बस इतना आसान होता है 99 का गुणा। अब देखिए जैसे 7 5 4 7 गुणा 99, मान लीजिए ऐसा गुणा हो तो भी से इसको हल करते समय बिल्कुल वही बात, 7 5 4 7 और 9 कितना है, 2 टू 9 है, यहाँ पर आप 2 0 दीजिए, और इसको क्या कीजिए, आप इधर से लिखना शुरू कीजिए, तो ये 7 हो जाएगा, ये 4, ये 5 और ये 7, अब इसको माइनस कीजिए तो ये फिर वही हिसाब यहाँ से आएगा, कैरी करेगा 10 होगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ बचा 6 दोस्तों, 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ 4 में से 7 नहीं घटेगा हासिल लेकर आएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचा दोस्तों 4 और ये 7, तो बस इसका गुणा इतना आसान होता है। अगर यहाँ पे और भी 9 एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे 9 7 6 5 4 गुणा 9 9 9 9
कितना भी नो दे दे दोस्तों, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बस शर्त यह है कि आप इसको पहले लिखिए, जो दिया हुआ है उसी को लिखिए। 97654 दिया हुआ था, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे 9 को गिनिए, 9 कितना टू है, 1 2 3 4, जितना 9 मैंने बताया उतना 0 हो गया, 0 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ तो एकदम आसानी से समझ हो गया। मैंने पहले आपको ट्रिक बताया क्या कि जो संख्या दिया हुआ है उसको अगर 9 9 लास्ट में दोस्तों केवल 9 9 9 हो तो गुणा करने का मैंने आपको तरीका जो बताया इसमें बताया कि 9 9 9 9। आप 9 को गिनिए, 1 2 3 4, इसको लिखकर और बिल्कुल जितना 9 उतना 0 दीजिए और फिर इसी को आप इस साइड से लिखना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 9। अब इसको क्या कीजिए, आप माइनस कीजिए और फिर घटाना शुरू कीजिए। तो ये कैरी लेकर आएगा, यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से कैरी लाएगा, ये सब पे 9 9 9 होगा। आपको घटाव तो आता ही होगा, आप घटाव बहुत अच्छे से सीखे होंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं नियम कि जब यहाँ से कैरी लेकर, यहाँ से हासिल लेकर यहाँ आएगा तो इस सब पर 9 9 9 बचेगा, लेकिन इसके पास 10 होगा। क्यों? क्योंकि ये गया था उधार मांगने के लिए, तो ये अपने पास ज़्यादा लेकर आएगा और इन लोगों को थोड़ा कम कम देगा, लेकिन देगा जरूर। तो इन लोगों को 9 9 9 दिया और ये खुद के लिए 10 लेकर आया। अब 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 9 में से 5 तो 4, यहाँ 9 में से 6 तो 3, यहाँ 9 में से 7 तो 2, अब यहाँ बचा दोस्तों 3। तो 3 में से 9 नहीं जाएगा तो ये फिर दूसरे के पास भीख मांगेगा, तो भीख मांगकर 10 लाया और 3 इसके पास पहले से था, तो भीख के रूप में 10 और 3 तो 13, 13 में से 9 गया दोस्तों तो 4। अब ये तो एक, इसके पास 5 था लेकिन एक भीख दे चुका, तो इसीलिए यहाँ पर 4 बचा, ये 6 बचा, ये 7 बचा और ये 9। बस इतना आसान तो है ये गुणा करना, हो गया इसका गुणा। अब आप लोग के लिए मैं सवाल देता हूँ, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को स्किप कीजिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर, आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से बनाइए और फिर बनाने के बाद आप वीडियो को देखिएगा। तो उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा, आपने जरूर बनाया होगा, आपने जरूर कोशिश किया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है आपने बनाया होगा। अगर बनाया है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपने सही बताया या गलत बताया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करें तो 6 7 3 4 5 ये तो होगा ही, 6 7 3 4 5 हो गया। अब इधर के लिए 1 2 3 4 चार्ट बनाओ, मैंने बताया जितना 9 उतना 0, तो यहाँ पर 1 2 3 4 चार 0 दे दिए दोस्तों। अगला बात बताया था मैंने, इसको उठाकर यहाँ पर रखिए, शर्त ये है कि सबको इधर से रखना शुरू कीजिएगा, इधर से। तो पहले यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 4, ये 3, ये 7, ये 6 और इसको माइनस कीजिए। अब ये देखिए, इसके पास 0, इसके पास 5, ये बेचारा भिखारी ये क्या किया, भीख मांगने के लिए 5 के पास दौड़ कर पहुँचा। ये चलो भीख के लिए लेकर आया 10, तो जब 10 आया तो मैंने बताया कि बाकी लोग भी तो यहाँ भिखारी थे, ये भी 9 9 9 है तो ये भी तो भिखारी बैठे हुए थे। इसने क्या किया कि दया करके इन लोग को भी 9 9 दे दिया और ये खुद के लिए 10 लेकर आया। तो 10 में से 5 जाएगा दोस्तों, तो ये 5 और ये देखिए दोस्तों, यहाँ 9 में से 4 गया तो ये 5, ये 9 में से 3 गया तो ये 6, 9 में से 7 गया दोस्तों तो 2 और ये बेचारा सही था लेकिन बाद में इसको देकर एक कम कर लिया, इसके पास 4 बचा है। तो ये आगे वाले के पास 7 पर पास आ रहेगा, तो ये 10 लेकर आएगा, तो 10 4 14 में से 6 गया तो 8 और यहाँ बचा दोस्तों 3 और इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये बिल्कुल बस हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी सही बनाया होगा। अब आगे चलिए इसको देखते हैं, तो ये 9 7 5 4 और 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 1 2 3 0। अब उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें इसे इसको घटाते हैं, 4 5 7 9। अब दोस्तों ये यहाँ से भीख लेने आएगा, तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 5 गया तो 4, अब तो आप समझ गए होंगे कि इन लोगों के पास 9 9 क्यों बचता है। अब इसके पास 9 में से 7 गया तो 2, अब यहाँ 3 तो हासिल लिया 13, 13 में से 9 गया तो 4 और यहाँ पे बचा दोस्तों कितना, 4, तो ये हुआ 4 और ये 9 और ये 7। तो ये अगर लास्ट में 9 9 9 रहे दोस्तों तो बस
बिल्कुल मजाक ही तो है, गणित क्या है, ये तो मजाक है, बिल्कुल मजाक में हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर लास्ट में 9 9 9 आने लगे तो उसका गुणा एकदम मजाक है, आप मजाक में सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि 1 0 0 0 0 0 इस टाइप का हो और लेकिन लास्ट में 1 दे दे, तो आप कैसे करेंगे उसका गुणनफल, उसको भी मैं अभी बताता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप लोग, ये 76876 और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 101 पे। जैसा मैंने बोला था, अगर लास्ट में 1 आने लगे और बीच में, लेकिन शर्त यह है कि बीच में केवल 0 हो, तब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देख लेंगे कि 0 से लेकर इधर कितनी संख्या आते, 1 2 संख्या। तो बस यहाँ पे इतना ही आसान है, इसको आप लोग क्या करोगे, इस पे जितना को है उसको 0 दोगे और इसको ले आकर ऐड कर लोगे। तो ऐड करोगे आप तो इधर से ही 6 7 8 6 7, अब इसको आपको ऐड करना, 9 9 होता था तो क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट घटाते थे, लेकिन यहाँ 101 है तो आप शुरू वाले को भूलिए और इधर जितना अंक बच रहा है 0 से लेकर इधर उसको लेकर आ और उतना 0 बैठाइए, तो ये 2, तो ये 2 0 और अब देखिए ये 7, ये 6, ये 7, 8 6 14, 7 6 13 1 14, 8 7 15 1 16 के 6 6 1 7 और ये 7 हो गया गुणा। जब तक कोई सोचेगा तब तक आप मजाक में इसको बनाकर दिखा देंगे। जैसे एक और एग्जांपल आपको बताऊं, 9 7 6 8 5 गुना 1 2 3 4 इस टाइप का हो जाए तो भी घबराइएगा मत, डरिएगा मत, बिल्कुल जब तक कोई सोचेगा तब तक आप जवाब बना देंगे। कैसे, उसको देखिए 9 7 6 8 5, अब एक के बाद इधर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जितना जीरो लगातार है उसको और इधर वाली संख्या को लेंगे, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सही है। अब देखिए इसको उठाकर यहाँ पे लाइए 5 8 6 7 9 और इसको ऐड कीजिए, तो ये हो गया दोस्तों ऐड करना है इसको, ये 5, ये 8, ये 6, ये 7, 9 5 14 का 4, 8 1 9 6 7 9 हो गया। इतना आसान होता है ये गणित, इतना आसान होता है ये सब गुणा। बस शर्त क्या है, आप किताबी क्रिया मत बनिए, किताब से बाहर निकलिए, गाइड की दुनिया से बाहर निकलिए और माइंड को डेवलप कीजिए, कंसेप्ट को डेवलप कीजिए। कंसेप्ट डेवलप करेंगे तो बिल्कुल ये गणित जैसा है मजाक, एकदम मजाक बनकर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हर दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगा, हर दिन आपको नया चीज़ सिखाऊंगा, हर दिन नया ट्रिक लेकर आऊंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा उस मेहनत के लिए आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि एक चैनल है मैथ्स मजाक, वहाँ पे बिल्कुल मैथ्स को मजाक की तरह पढ़ाया जाता है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो और अच्छा लगे तो आप भी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।